नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ नितीशा और आप देख रहे हैं पहाड़ टीवी। सूबे के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने आज पौड़ी में रामलीला मैदान से सभी क्षेत्रवासियों से अपील की कि वे सीता माता मंदिर के निर्माण के लिए अपने अपने गांव से एक एक शिला, एक एक मुट्ठी मिट्टी और 11 रुपए दान में दें, जिससे अयोध्या के तर्ज पर पौड़ी में भी एक भव्य मंदिर का निर्माण किया जा सके। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कहा कि उनका प्रयास सीता माता मंदिर को भव्य रूप देने का है, जिससे देश और विदेश से श्रद्धालु सीता माता के दर्शन के लिए उत्तराखंड आए। उन्होंने बताया कि सीता माता मंदिर के भव्य निर्माण के लिए वो एक पदयात्रा निकालेंगे, जिसमें शामिल होने के लिए यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी हामी भरी है। सीएम त्रिवेंद्र ने बताया कि जैसे ही सीता माता मंदिर का भव्य रूप देश के सामने आएगा, लोग दूर दूर से सीता माता के दर्शन के लिए उत्तराखंड आएंगे। और जो जितने भी हमारे धाम अगर हम मथुरा देखें, अयोध्या देखें, तमाम वहाँ पर परिक्रमाएं होती हैं, जिसके लिए देश से लाखों की संख्या में लोग आते हैं। सीता जी का ये समाधि का स्थान है, भू समाधि का स्थान है, ये मुझे लगता है कि स्थानीय लोगों को ही पता नहीं है। ये भारत, हमारा देश, ये धार्मिक है, श्रद्धा पर चलता है, और इसलिए दुनिया जान सके कि सीता जी ने अंतिम समय पर कहाँ अपनी समाधि ली थी, उससे अवगत कराना है। और अपनी जो जनरेशन है, अपने जो भावी पीढ़ी है, वो उससे जुड़े, ये इसका मकसद है, उसका ध्यान आकर्षित करना उसका मकसद है, और उस स्थान को एक भव्यता दी जा सके, वहाँ पर भव्य मंदिर बने, और जनता की किसी न किसी रूप में, चाहे कहते हैं कि जब सेतु बंधु रामेश्वरम में सेतु बंधु बन रहा था, बांध पुल बनाया जा रहा था, तो उसमें गिलहरी ने भी अपना योगदान किया। तो हर गांव से, हर परिवार से एक शिला दान उसके लिए किया जाए, एक मुट्ठी मिट्टी अपने खेत से लाकर लोग उसके लिए दें और 11 रुपए उसके लिए दें, ताकि लोग उससे जुड़ें, लोगों का जन सहयोग और जनता का योगदान उसमें हो सके। इस दृष्टि से इस तरह का आह्वान किया गया है। इसके लिए ट्रस्ट बनाया जाएगा और उस ट्रस्ट के माध्यम से वहाँ पर भव्य मंदिर बनाया जाएगा।